Now next see program display again given patterns using looping statements. सबसे पहले इसके इसमें relations create करें in the form of ij values for a given matrix, then write down करें source code for that patterns. In that case first one, सबसे पहले relation create करना होगा इसके इसमें relations के respect में और बात करें. In that case, previous cases में मैंने always condition write down की था for managing spaces. But in that case we want to managing conditions about स्टार्स नॉट फॉर स्पेस. इस प्रीवियस जितने भी एग्जाम्पल्स थे सभी केसेस में इफ के अंदर राइट डाउन किया प्रिंट कराया था स्पेस एंड एल्स पार्ट में डिस्प्ले कराया था एज अ स्टार. इस केस में अगर डायरेक्टली इफ के रिस्पेक्ट में अगर आप स्पेस डिस्प्ले कराओगे तो कंडीशन स्पेस के लिए मैनेज करना काफ़ी ट्रिकी हुआ कंपेयर टू स्टार्स. देखा जाए दोनों केस में कंडीशन मैनेज करना पॉसिबल है, बस ओनली अप्लाई क्या करना होगा नॉट ऑपरेटर. इस केस में स्टार्स के स्पेसिस के लिए कंडीशन मैनेज ना करें, कंडीशन राइट डाउन करें रिस्पेक्ट टू स्पेस सॉरी स्टार्स. मीन्स इफ के अंदर डिस्प्ले कराएंगे स्टार्स मीन्स दैट पोर्सन एंड एल्स पार्ट में डिस्प्ले कराएंगे एज अ स्पेस मीन्स गिवन पैटर्न. फर्स्ट वन सबसे पहले मैं मैनेज कर रहा हूँ दैट कॉर्नर स्टार्स के केसेस में. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंडीशंस फॉर मैनेजिंग दैट पार्ट अपर पार्ट. मीन्स कंडीशंस किसके लिए है स्टार्स के लिए. स्टार्स के लिए टोटल फोर कंडीशंस राइट डाउन करेंगे प्लस सभी कंडीशंस को मर्ज करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर्स. फर्स्ट वन व्हाट इज द कंडीशंस फॉर. इस केस में एन वैल्यू क्या है, एन मीन्स नंबर ऑफ रो और कॉलम और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट वन अगर एन का वैल्यू गिवन है इफ एन इज फाइव, एन का वैल्यू फाइव है देन आई प्लस जे फर्स्ट कॉर्नर के रिस्पेक्ट में अगर आई और जे का एडिशन कराया जाए देन एडिशन क्या है लेस देन और इक्वल्स टू फोर, लेस देन और इक्वल्स टू फोर. हियर एडिशन ऑफ आई एंड जे इज लेस देन और इक्वल्स टू फोर. नेक्स्ट वन अदर कंडीशंस सेकेंड केस. सेकेंड केस में अगर कंडीशन राइट डाउन करें फोर दैट कॉर्नर. इस केस में कंडीशन क्या है अगर जे को आई से सब्ट्रैक्ट कराएं मीन्स डिफरेंस ऑफ जे माइनस आई. इस केस में जे माइनस आई का ग्रेट डिफरेंस क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू. फॉर एग्जांपल थ्री माइनस वन इज टू, फोर माइनस टू इज टू, फाइव माइनस थ्री इज टू, बट फाइव माइनस टू इज थ्री, फाइव माइनस वन इज थ्री. इसे इस केस में मिनिमम डिफरेंस कितना है आइदर टू और मोर देन टू. नेक्स्ट वन दिस इज द कंडीशंस फॉर दैट पार्ट. नेक्स्ट वन व्हाट इज द कंडीशंस फॉर डाउन लेफ्ट कॉर्नर्स. इस केस में कंडीशंस क्या हो सकता है, इन दैट केस आई माइनस जे अगर आई को जे से सब्ट्रैक्ट की जाए आई माइनस जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू अगेन. इस केस में अगर आई को जे को अगर आई से सब्ट्रैक्ट करें थ्री माइनस वन इज टू, फोर माइनस टू इज टू, फाइव माइनस थ्री इज टू, फाइव माइनस टू इज थ्री, फाइव माइनस वन इज फोर लाइक दैट. देन व्हाट इज द कंडीशंस फॉर नेक्स्ट केस इन दैट वन, दिस इज द लास्ट केस. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्ट करेंगे उसके बेसिस पर डायनेमिक एक्सप्रेशन रिस्पेक्ट राइट डाउन विद रिस्पेक्ट टू वो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन. इन दैट केस अगर इस केस में आई ओ जे का एडिशन किया जाए देन आई ओ जे का एडिशन क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एट. इन दैट केस आई प्लस जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन इज फाइव. सेम एज अगर सेकेंड मैट्रिक्स में प्रिडिक्ट करें वन बाई वन, सेकेंड मैट्रिक्स की केस में अपर कॉर्नर दैट वन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन वैल्यू क्या गिवन है इस केस में एन मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेवन. सेवन के केस में फर्स्ट कंडीशन, इस केस में लेफ्ट अपर कॉर्नर के लिए कंडीशन क्या है अगर आई और जे का एडिशन परफॉर्म कराया जाए तो एडिशन क्या है लेस देन और इक्वल्स टू मीन्स इस केस में सारे एलिमेंट का ऐड करा हुए वन प्लस वन और फोर प्लस वन इज फाइव, थ्री प्लस टू इज फाइव, थ्री प्लस वन इज फाइव. इसे इस केस में एडिशन क्या है आइदर टू और थ्री और फोर और फाइव, इसलिए कंडीशंस क्या राइट डाउन कर सकते हैं फाइव. सेम एज व्हाट इज द कंडीशन फॉर राइट कॉर्नर राइट अपर कॉर्नर. राइट अपर कॉर्नर के केस में जे और आई में अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें जे और आई का डिफरेंस क्या रहा है जे माइनस आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री. सेम एज लेफ्ट कॉर्नर डाउन लेफ्ट कॉर्नर के केस में कंडीशन क्या है I माइनस जे आई को अगर जे से सब्ट्रैक्ट किया जाए देन मैक्सिमम डिफरेंस क्या है इसका थ्री. इन दैट केस
मिनिमम डिफरेंस क्या होगा 3. नेक्स्ट वन लास्ट केस दैट पोर्शन. और इस पोर्शन के लिए कंडीशन अप्लाई करें आई एंड जे को ऐड कराया जाए तो आई और जे का एडिशन क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11. इस केस में अगर रिलेशन क्रिएट किया जाए जब एन का वैल्यू 5 था देन फर्स्ट कंडीशन क्या है आई प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू 4. सेकेंड कंडीशन क्या है इस केस में एन के वैल्यू के लिए अगर सेपरेटली कंडीशन राइट डाउन किए जाए फॉर एनी वैल्यू गिवन वैल्यू ऑफ एन देर आर फोर कॉर्नर्स. इस कंडीशन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस केस में सपोज दैट मे बी एन वैल्यू इज 5 एन वैल्यू इज फर्स्ट वन. एन के केस में फर्स्ट केस में एन वैल्यू क्या कंसिडर किया है 5. वैन एवर एन इज 5 वैन एवर एन इज 6 सॉरी सेकेंड केस में एन क्या है एन शुड बी ऑड नंबर 7 और 9. 9 का इस केस में डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं किया लेकिन रिलेशन इन अवेलेबल फैक्ट्स के बेसिस पर कैलकुलेट करना पॉसिबल. फर्स्ट वन जब एन का वैल्यू 5 है देन इस केस में कंडीशन क्या है आई प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट कॉर्नर आई प्लस जे लेस देन और इक्वल्स टू 4. सेकेंड केस में कंडीशन क्या है आई प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू आई प्लस जी लेस देन इक्वल्स टू 5. सेम है अगर एन का वैल्यू 9 होगा उसके इसमें कंडीशन क्या बन सकता है मीन्स प्रॉपर डिफरेंस कितने का 1 का तो कंडीशन क्या हो जाएगा आई प्लस जी लेस देन इक्वल्स टू 6. फर्स्ट कंडीशंस को अगर एन के फॉर्म में कैलकुलेट करें मीन्स यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू 4 5 या 6 राइट डाउन करें इसके प्लेसेस पर कैलकुलेट करें इन द फॉर्म ऑफ एन. एन के फॉर्म में सेम कंडीशन राइट डाउन क्या कर सकते हैं सम कॉमन कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या होगा आई प्लस जे लेस देन और इक्वल्स टू एन का वैल्यू अगर 5 है देन वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है 4. एन का वैल्यू अगर 7 है देन रिक्वायर्ड केस क्या है 5. एन का वैल्यू 9 होने पर रिक्वायर्ड केस क्या है 6. देन इस केस में फाइनली कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे इन दैट केस कंडीशन क्या हो सकता है 4 मीन्स एन वैल्यू क्या गिवन है 5. 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. इस केस में अगर 5 लाना है तो 5 की केस में क्या 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. इस केस में डिवीजन का रिजल्ट क्या आएगा 5 प्लस 3 इज 8. 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4. इट विल गिव 4. फिर 5 इज एन. सेम इस केस में क्या 7 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 2. 7 प्लस 3 इज 10. 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5. वन मोर केस आई वैल्यू इज 9. 6 लाना है सेम केस में 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. 9 प्लस 3 इज 12. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6. मीन्स परफेक्ट कंडीशन क्या बनेगा इस केस में 5 7 और 9 के प्लेस पर क्या राइट डाउन करेंगे एन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द फर्स्ट इफ कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन फॉर अपर कॉर्नर और लेफ्ट अपर कॉर्नर मीन्स दैट पोर्शंस. नेक्स्ट वन सिमिलरली रिमेनिंग कंडीशंस कैलकुलेट करना एन के फॉर्म में. तो एन के फॉर्म में फाइनली फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा जिससे एन के किसी भी वैल्यूज के लिए गिवन कंडीशन डायनेमिकली वर्क करेगा. नेक्स्ट वन सेम एज अवेलेबल फैक्ट्स के बेसिस पर कंडीशन राइट डाउन करेंगे. सेकेंड कंडीशन चेकआउट कर दें जे माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. सेकेंड कंडीशन जे माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 सेम एज इन दैट केस जे माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. तो इस केस में भी इसके अकॉर्डिंग अवेलेबल वैल्यूज के बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं. जब एन का वैल्यू 2 से इंक्रीज हो रहा है तो कंडीशन में इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है 1 से. नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है जे माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. इस केस में कंडीशन क्या राइट डाउन कर सकते हैं सिंपली 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा ऑल्सो 2. 7 एन का वैल्यू 7 है 7 को 2 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा 3 इंटीजर डिवीजन. 4 को 9 को 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर डिवीजन क्या आएगा 4. तो इस केस में कंडीशन क्या बन जाएगा जे माइनस आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन वाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन वाई 2. दिस इज द सेकेंड केस और सेकेंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन के केस में क्या है आई माइनस जे अगर एन वैल्यू 5 है आई माइनस जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2
सेम एज थर्ड कंडीशन आई माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. इस केस में क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इस 1 का डिफरेंस जनरेट हो रहा है आई माइनस जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. इसलिए कंडीशन क्या आएगा, अगेन सेम आई माइनस जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 3 4 के प्लेसेस पर प्रीवियस केस में राइट डाउन किया था एन वाई टू सेम एज इन दैट केस एन वाई टू. नेक्स्ट वन लास्ट कंडीशंस आई प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 फोर्थ कंडीशन. अगर एन वैल्यू क्या है 5 के केस में कंडीशन क्या है आई प्लस जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 पर एन का वैल्यू 7 के बने देन कंडीशन क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11 आई प्लस जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11. डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है इस केस में 3 का. तो इसके अकॉर्डिंग अगर एन का वैल्यू 9 होता तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आई प्लस जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11 प्लस 3 इज 14. दैट वन इस केस में 8 मीन्स कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है बेस्ड ऑन फॉर अ गिवन वैल्यू एन. कॉन्स्टेंट्स कभी भी कंडीशन पर नहीं आना चाहिए अदरवाइज कंडीशन कैसे हो पैटर्न डिपेंडेंट और स्पेसिफिक. इन दैट केस कंडीशन क्या है आई प्लस जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मीन्स राइट डाउन क्या करना है राइट कंडीशन मीन्स 8 11 और 14 को एलिमिनेट करना है. इस केस में राइट डाउन क्या करेंगे फर्स्ट वन सिंपली मीन्स जब एन का वैल्यू 2 से इंक्रीज हो रहा था इस प्लेस पर इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है एवरी टाइम 3. इसके लिए सूटेबल कंडीशन क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई एन वाई टू प्लस 1 माइनस 1 लाइक दैट. अगर एन का वैल्यू 5 पुट करेंगे देन इसको एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या देगा 8. चेक कर दें इस केस में एन वैल्यू 5 3 मल्टीप्लाई बाई 5 वाई टू प्लस 1 5 वाई टू प्लस 1 दिस वन इज प्लस 1. नेक्स्ट वन इन दैट केस 5 बाई टू प्लस 1 माइनस 1 5 बाई टू का रिलेशन रिजल्ट क्या आएगा इस केस में 2. 5 को 2 से डिवाइड करें 2 है 2 प्लस 1 इज 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 8 8 सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9 अगेन 3 मल्टीप्लाई 5 को 2 से डिवाइड करें डिवीजन क्या आएगा इस केस में 2 2 प्लस 1 क्या आएगा 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 9 माइनस 1 इज 8 9 माइनस 1 इज 8 रिक्वायर्ड वैल्यू क्या था 8. सेम एज अगर n के प्लेस पर 7 पुट करेंगे 7 के केस में क्या मिलेगा 11. चेक इट अगेन इन प्लेस ऑफ n वी आर रिप्लेसिंग 7. अगर n का वैल्यू 7 है देन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 11 अगेन 7 बाई 2 रिजल्ट इज 7 को 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर डिवीजन क्या आएगा 3 3 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 3 प्लस 1 का एडिशन क्या आएगा 4 माइनस 1 12 माइनस 1 इज 11 मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है इसमें सेम एज 4 14 मीन्स इसके लिए एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या रहा है गिविन दैट वन. दिस इज द फाइनल कंडीशन मीन्स टोटल कंडीशंस कितने हैं 4 कंडीशन प्लस एक कंडीशन मैंने कैलकुलेट किसके लिए स्टार्स के लिए और स्पेसेस के लिए स्टार्स के लिए नॉट फॉर स्पेसेस. अगर आपको स्पेस के लिए कैलकुलेट करना सारे कंडीशंस कंबाइन करने के बाद अप्लाई किया गया नॉट ऑपरेटर. वन मोर केस सेम केस कैलकुलेट करना पॉसिबल है लाइक दैट मीन्स अगर स्टार्स इस टाइप से डिस्प्ले कराना है लाइक गिवन स्टाइल ओनली स्टार्स फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एन देन उस केस में सेम कंडीशंस होंगे ओनली लेस देन के प्लेस पर क्या जाएगा इक्वल इक्वल मीन्स इस केस में ओनली इक्वल इक्वल होने पर स्टार डिस्प्ले कराना रिमेनिंग केसेस में स्पेस ओनली लेस देन और ग्रेटर देन किससे रिप्लेस हो जाए इक्वल इक्वल देन गिवन पैटर्न डिस्प्ले करना पॉसिबल मीन्स इस केस में फाइनली टू पैटर्न कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल हो रहा है. दोनों केस में हाईलाइट कर रहा हूँ इस केस में सोर्स कोड मीन्स सिंपली इस केस में आउटर और इनर लूप्स कितनी बार चलेंगे एन टाइम्स फॉर अ एन टाइम्स क्या इस केस में ऑर्डर किसके लिए मैनेज कर रहे हैं एन के लिए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन. राइटिंग सोर्स कोड हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड ओनली 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स आई जे एंड एन इंटीजर आई कॉमा जे कॉमा एन द रीडिंग वैल्यू ऑफ एन पोर्ट्स
enter number, scanf %d reading value of n. Then managing outer loop, outer loop kitni bar chalana hai, from 1 to i less than equals to n i plus plus. इस केस में मैट्रिक्स कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए इनर लूप भी कितनी बार चलाएंगे, n टाइम्स, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस प्लस. नेक्स्ट वन, मैनेजिंग इफ कंडीशन. इफ कंडीशंस में टोटल कितने कंडीशंस है, 4. ये चारों कंडीशन कंबाइंड किससे करेंगे, और ऑपरेटर्स. फर्स्ट कंडीशन, लेट मी राइट फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है इस केस में, i प्लस j लेस देन और इक्वल्स टू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. फर्स्ट कंडीशन कंबाइंड करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर. देन सेकेंड कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स, j माइनस आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n बाई 2. देन थर्ड कंडीशन, अगेन थर्ड कंडीशन कंबाइंड करेंगे यूजिंग और. थर्ड कंडीशन क्या है इस केस में, i माइनस j greater than equals to n by 2 in the form of brackets. जिन्हें देखा जाए bracket write करना compulsory नहीं. Then last condition of fourth conditions, i plus j greater than or equals to 3 multiply by n by 2 plus 1 minus 1. Finally closing of if. देन इसके अंदर डिस्प्ले क्या कराएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, प्रिंट कराएंगे एज अ प्रिंट एफ सिंपली स्टार. इफ दिस, इफ कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने की इसमें डिस्प्ले क्या करा रहे हैं, सिंपली एल्स ब्लॉक में स्पेस प्रिंट एफ स्पेस. देन आउट इनर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद एवरी टाइम रो को चेंज करने की नीड होगी, इसलिए डिस्प्ले क्या कराएंगे, राइटिंग स्लैश एन means to change the line. Finally closing outer loop, closing main functions. In this case mein pattern kya display hua, like that given pattern for any value of n, means this is the given code. Is places par kya aayenge, stars, like that. But suppose that same case mein mujhe pattern display karana like that, only that one, means in places par kya jayenge, stars stars stars, like that, any types, any number of stars, whatever required, like that. The star display karana hai is case mein, means pehle is program ko write down kar lena, isme second pattern bhi complete karna possible, second pattern means that one. Is case mein agar second pattern construct karna, simply less than ke places par kya write down karo, equal equal, means agar ek condition i plus j ka addition agar is expression ke result ke equal hai, then only star display hona chahiye, condition keval is part ke liye satisfy hua. Same as इस प्लेसेस पर भी ग्रेटर देन के प्लेस पर क्या जाएगा, ऑल्सो इक्वल इक्वल. सेम एज ग्रेटर देन के प्लेस पर राइट डाउन करेंगे इक्वल इक्वल, सेम एज इक्वल इक्वल, लाइक दैट. मीन्स इस केस में कौन सा पैटर्न डिस्प्ले हुआ, सेकंड पैटर्न, रिमेनिंग थिंग्स कैसे होंगे, एग्जैक्टली सेम.